राज्यसभा सांसद प्रदीप कुमार बालमुचू ने कहा कि राज्य सरकार पावर का गलत इस्तेमाल कर दोषियों को बचाने का काम कर रही है। रविवार को पत्रकारों से बातचीत के क्रम में राज्यसभा सांसद प्रदीप कुमार बालमुचू सरकार की दोहरी नीतियों पर जमकर बरसे। उनका इशारा राज्य की मुख्य सचिव राजबाला वर्मा की ओर था। नीरव मोदी एक तरह से धोखाधड़ी करके अलग अलग तरह से किस तरह से बैंक गारंटी लेकर अलग अलग जगह से पैसा उठा लिया गया और इस पर आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। बीजेपी ये बोल रही है कि नहीं, ये कांग्रेस के ज़माने में शुरू हुआ। हम सिर्फ इतने कहते हैं कि अगर हमारे ज़माने में शुरू हुआ तो आप सत्ता में आए तो फिर आप कार्रवाई क्यों नहीं की? आपको तो पहले कार्रवाई करना चाहिए था। इसलिए कि आप अगर हमारी गलती है तो आपको उसको उठाना चाहिए था। आप अब तक क्यों चुपते? जब हम आवाज़ उठा रहे हैं तब आवाज़ की इसको जवाब दे रहे हैं। आज ठीक है, बैंक की गड़बड़ियाँ वहाँ हुई है, झारखंड में भी इस तरह की गड़बड़ियाँ बहुत हो गई। चीफ सेक्रेटरी जिस पर आरोप लगे थे लगातार लग रहे हैं, कौन ठोक-ठाक कर रहा है इसको? ये विशेषकर अभी चारा घोटाले की बात है, हमने तीन आरोप को निकाला है, ऐसे और भी बहुत सारे आरोप हैं। सबसे बड़ा है कि चारा घोटाला में ये उस समय वहाँ की डीसी रही सिंह भाषा में, उस ट्रेजरी से पैसा निकाला गया और ट्रेजरी का रखवाला, ट्रेजरी का मालिक डीसी होता है। उसी केस में लालू जी को, जो हम लोग के लीडर हैं, और उसको आप चारा घोटाले में कल्पित करके उसको आप लोग जेल में बंद कर दिए। और उसी केस पे एक व्यक्ति जो 31 चिट्ठी CBI के द्वारा दी जा रही है उसको जवाब तक नहीं देने की कोशिश कर रही है। उसको वो डरती ही नहीं है, कहने का मतलब इतना डेयर डेबिल है कि कहीं ना कहीं उसको ऊपर से बृहदस्त्र प्राप्त है। तो CBI का एक चिट्ठी आने से बड़े बड़े लोग हिल जाते हैं। 31 चिट्ठी तक गया, उसको कोई इसका जवाब नहीं दिया गया। जब मीडिया हाइट हुआ तब वो गोलमोल जवाब उसको दी, कहने का मतलब कि वो किसी से नहीं डर रही। और इसलिए समझने के लिए काफी, कहीं ना कहीं ऊपर से इनको बृहदस्त्र प्राप्त है। धनबाद में CM को काला झंडा दिखाने वालों पर केस दर्ज के विरोध में जिला युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने साक्षी में CM रघुवर दास का पुतला फूका। धनबाद के निरसा में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा मुख्यमंत्री रघुवर दास जी को काला झंडा दिखाया गया। युवा कांग्रेस राज्य की गिरती विधि व्यवस्था, हमारे कोडरमा के जिला अध्यक्ष शंकर यादव और जमशेदपुर विधि व्यवस्था, तमाम विधि व्यवस्था को लेकर युवा कांग्रेस के द्वारा धनबाद में मुख्यमंत्री को काला झंडा दिखाया गया। और यह काला झंडा लोकतांत्रिक तरीके से था, मगर जो वहां का जिला प्रशासन है और राज्य के मुख्यमंत्री के इशारे पर निर्दोष युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर, जिन्होंने लोकतंत्र पे आस्था व्यक्त करते हुए अपनी मांगों को काले झंडे के रूप में दिखाया, उनको उनके ऊपर 352-353 के धारा के पे केस किया। ब्रेक के बाद खबरों में फिर से आपका स्वागत है। आम आदमी पार्टी पूर्वी सिंहभूम द्वारा भाजपा के स्वच्छता अभियान का पोल खोलो अभियान चलाया गया। सोनारी में गंदगी और कचरों से नाले जाम पड़े हैं, जिसे उजागर करने के लिए पूर्वी सिंहभूम आम आदमी पार्टी द्वारा एक अभियान चलाया गया। उनका नेतृत्व जिला अध्यक्ष दिनेश महतो कर रहे थे। उन्होंने कहा कि स्वच्छता के नाम पर सिर्फ फंड की लूट हो रही है। हम लोग आम आदमी पार्टी पूर्वी सिंहभूम जिला के कमेटी के ओर से हम लोग आज स्वच्छ भारत अभियान का मतलब सोनार पोल खोल अभियान हम लोग चला रहे हैं आम आदमी पार्टी के। आज सोनारी नया लाइन में देखने को मिल रहा कि जो कि निर्मल भारत अभियान का सरकार ने करोड़ों का राशि निकासी किया गया है, आज सोनारी को देखने में मिल रहा कि इतना गंदा है कि मतलब रोड और नाली रोड तो बना ही नहीं। तो इसके लिए हम लोग आज बस्ती में दौरा कर रहे हैं और हम लोग भी DC साहब से मांग करेंगे कि एक सप्ताह के अंदर रोड और नाली का निर्माण किया जाए। ईस्ट सिंहभूम बैडमिंटन एसोसिएशन द्वारा आयोजित प्रथम मीडिया कप प्रतियोगिता में बड़ी संख्या में मीडिया कर्मियों ने भाग लिया।
मोहन आहूजा स्टेडियम में आयोजित उक्त प्रतियोगिता में एकल एवं युगल स्पर्धाओं में प्रतिभागियों ने भाग लिया। महिला वर्ग में न्यूज टाइम्स की एंकर दिव्या और प्रियंका ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए दूसरे व तीसरे स्थान का खिताब जीता। आउट, सर्विस ओवर। हो गया। आउट। लक्ष्मण प्रसाद मार दिव्या जो खड़ी एक जगह पे